आप इंडियन मनी कितना कमा लेते हो? इंडियन मनी तो कोई भी अगर चाहे इंडिया से आने के लिए कोई भी इस सैलरी में कमा सकता है इस हिसाब से। हाय फ्रेंड्स, एक और ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना दिन से मैंने ब्लॉग क्यों नहीं डाला, तो आप लोगों को कह दूं कि मेरा तबीयत थोड़ा सही नहीं था, मेरा आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। और मैंने जैसे आप लोग से वादा किया हूँ कि अच्छे अच्छे ब्लॉग और अच्छे अच्छे जगह का जो भी है नज़ारा आप लोगों को दिखाऊंगा, प्लस यहाँ पे कैसे रहते हैं इंडिया से आकर के आदमी लोग, वो सब भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और फिलहाल हम चलते हैं एक दोस्त के रूम में, बहुत दिन से उन्होंने बोले हैं कि हमको आने के लिए उनके रूम में, तो मैंने अभी तक नहीं गया हूँ, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना जाया जाए। और आज थोड़ा सा टाइम वक्त मेरे को मिला है, अभी फिलहाल मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, और मैंने सोचा क्यों ना कि उनका रूम में जा करके थोड़ा सा उनसे मुलाकात किया जाए। आप लोग देख सकते हो ये है कुछ गिफ्ट उनके लिए मैंने बनाया हुआ है, जो भी है आप लोग को लास्ट में बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, पूरे अंत तक देखिए वीडियो। और चलिए कि उनसे मुलाकात भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे कि वो किस स्टेट में आए हुए हैं यहाँ पर काम करने के लिए, और कहाँ काम करते हैं, कितने साल से यहाँ पर हैं, और क्या सैलरी पाते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और आज जैसे कि मैंने आप लोग से वादा किया हूँ कि हर वो चीज़ बताऊंगा, बाहर में कैसे रहते हैं आदमी लोग, कैसे वर्कर्स लोग रहते हैं बाहर में आकर के, इंडिया से क्यों आते हैं यहाँ पर, सब कुछ आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलिए ब्लॉग में जरूर बने रहिए, शुरू करते हैं आज के ब्लॉग। तो फ्रेंड्स चलिए अभी चलते हैं उनके रूम में। फाइनली ये है उसका रूम, आप लोग देख सकते हो, और अभी चलते हैं अंदर की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं अभी फाइनली रूम में आकर के पहुंच चुका हूं दोस्त के रूम में, और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आया हूं, वो भी देने वाला हूं उसको। तो पहले वो सभी से मुलाकात करते हैं, कितने आदमी लोग रहते हैं जो भी है, तो पहले मुलाकात करते हैं उनसे। आरिफ कैसे हो? ठीक हूँ, कैसे? मैं ठीक हूँ। आप लोग सब एक ही गाँव के ही है? पूरा एक ही गाँव का है। कहाँ से हो? हैदराबाद से। तुम तो हैदराबाद से, अभी सारे हैदराबाद से ही है? सारे हैदराबाद से ही। हैदराबाद से, तो आप लोग देख सकते हो सारे के सारे जो भी दोस्त है इस रूम में सब कोई हैदराबाद से है। और आप लोग देख सकते हो, आप लोग क्या काम करते हो यहाँ पर? इलेक्ट्रिशियन का, इलेक्ट्रिकल का काम। तो क्या मतलब जॉब कैसा रहता है, कितने घंटे का जॉब रहता है? अच्छा, मतलब 8 घंटे नॉर्मल ड्यूटी है, उसके बाद में ओवर टाइम रहता है। तो आप लोग कितना कमा लेते हो? अभी इधर मिनिमम 40-45 कमा लेते हैं। क्या आपको सैलरी इंडियन मनी के हिसाब से देता है या फिर नहीं? नहीं, डॉलर के हिसाब से बन के देता है, मार वो डायरेक्ट अकाउंट को भेजा देता है यहाँ। तो कोई भी अगर चाहे इंडिया से आने के लिए, कोई भी चाहता हो, क्या वो भी इस सैलरी में कमा सकता है इस हिसाब से? इस हिसाब से कमा सकता है, जैसे आप लोग कमाते हो या फिर जो भी दोस्त लोग हैं उन लोग जैसे कमाते हैं, तो क्या आपकी कमा सकते, मतलब आदमी लोग आकर कमा सकते हैं? कमा ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कमा सकता है। अच्छा, तो मतलब जो भी चाहे तो यहाँ पर आ सकता है। अब आने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन है, कुछ ऐसा कुछ है, स्टेप लेना पड़ेगा कि ताकि यहाँ पर आ पाए? क्योंकि बहुत सारे आदमी, आपको पता होगा कि दुबई और सऊदी बहुत सारे कंट्री जाते हैं, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर आप रह करके, जैसे इराक में आप हो अभी, तो आपको कैसा लगता है यहाँ पर रह करके, और कैसा फ्रीडम है, कुछ भी है जो भी है हमारा व्यूअर्स को बताओ थोड़ा। अभी तो इधर सही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फ्रीडम तो है ही, एकदम फ्रीडम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काम धाम का, काम धाम तो कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर काम के लिए, तो आप लोग को पता होगा जैसे कि मेरा दोस्त ने बोला 8 घंटा ड्यूटी है, उसके बाद में ओवरटाइम मिलता है, और लगभग 45-50 हजार रुपया वो भी कमा लेता है। और सारे के सारे जो भी है दोस्त, सब कोई, सबका सैलरी मतलब एक ही टाइप का है, सैलरी एक ही है, और पूरा एक ही। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे दोस्त है सभी एक ही रूम में रहते हैं। और यहाँ पर कितने दिन से हो? अभी 1 महीने से। 1 महीने से। आप पहले यहाँ पर रहे थे? नहीं, इराक में पहले आए थे, इरबिल में रहता था। इरबिल में वो कैसा था, वो जगह कैसा था? वो जगह ठीक था। ये भी तो सही है, ये भी कुर्दिस्तान में, यहाँ पर नहीं, मैं इराक में था। इराक बोला तो बसरा, बगदाद वो आता था, ये कुर्दिस्तान बोला तो इराक से अलग हो गया। इराक भी, इधर का भी करेंसी इराक का है। यहाँ पर तो आपको ये थोड़ा फ्रीडम कंट्री है, यहाँ पर फ्रीडम है, ज्यादा फ्रीडम है, आप कहीं भी घूम सकते हो। और बहुत सारे चीजें जो है यहाँ पर, बहुत अच्छा अच्छे जगह है, आप लोग देख सकते हो अभी। और आप लोग देख सकते हो, आप कितने साल से आप इराक में थे?
पहले अभी बहुत साल हो गए आ रहा है जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो 5-6 साल से यहाँ पर है, 7 साल से। और आप लोग देख सकते हो ये है रूम, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया है, ये है रूम। और ऐसे यहाँ पर आदमी लोग ऐसे ही रहते हैं और बहुत हंसी खुशी और बहुत मस्ती में रहते हैं। और आप लोग का मन में अगर कोई सवाल है, अगर आप लोग पूछना चाहते हो तो जरूर पूछना, मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में उसके जो भी है आंसर देने के लिए, या फिर कोई भी ब्लॉग के जरिए आप लोग को बताने के लिए। आप लोग अगर आना चाहते हो बाहर में तो उसके बारे में भी मैं बता सकता हूँ, आपको थोड़ा सा अपना जो ओपिनियन है वो दे सकता हूँ। देख सकते हो मैं जैसे कि आप लोग को बोला था कि मैं कुछ गिफ्ट लेकर के जा रहा हूँ, आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए कुछ ऐसे मैंने बातें बातें से कुछ बोल दिया था ऐसे कि मेरे को कुछ आता है या फिर जो भी है आर्ट करना आता है करके। तो बंदे ने मेरे से बोल दिया था कि नहीं, अगर तुमको आर्ट करना आता है तो मेरा फोटो लो और एक कुछ ना कुछ बना के दिखाओ। तो मैं फिलहाल अभी आप लोग को क्या ही बताऊं कि 12-15 साल के बाद में मैंने कुछ ट्राई किया हूं। आप लोग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कुछ ट्राई किया हूं। आप लोग को कैसा लगा ये जो मेरा जो आर्ट है तो कमेंट के जरिए जरूर बताना। तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि आप लोग को बताया कि आप लोग को बाहर के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, जैसे कि मैं अभी फिलहाल इराक में हूँ, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया हूँ। और यहाँ पर कैसे आदमी लोग काम करते हैं, क्या सैलरी पाते हैं, क्या जॉब करते हैं, सब कुछ आप लोग को बताया। आप लोग देख सकते हो मेरे सारे जो दोस्त हैं जिनके रूम में मैं अभी आया था, सारे के सारे यहाँ पर है। और मेरा जो व्यूअर्स है उन्हें क्या आप लोग बोलना चाहोगे? तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कुछ तेलुगु में ये लोग बोले हैं और हमें नहीं पता है क्या है क्या बोले हैं, लेकिन हमें इतना तो पता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग से गुजारिश किए हैं। तो अगर मेरे वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।